शहर में अच्छे ईमानदार पुलिस महिला कर्मी ज्योति पांतावनी ने किसी अज्ञात व्यक्ति का 50,000 रुपये से भरा पैसों का बैग लौटाकर अपनी ईमानदारी का परिचय दिया था। इस बात को लेकर वार्ड निवारण समिति के अध्यक्ष सचिन बड़िए के हाथों से ज्योति पांतावनी का सम्मान किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। आए दिन पुलिस के कामों की सराहना कम और उनके स्वभाव के बारे में ज्यादा बातें होती है, लेकिन शहर की कुछ ऐसी भी महिला पुलिसकर्मी है जो अपनी ईमानदारी से किए गए कामों की वजह से उनकी सराहना हो रही है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं महल कोतवाली पुलिस थाने में कार्यरत महिला पुलिस कांस्टेबल ज्योति पांतावने के बारे में, जिन्होंने ईमानदारी का परिचय देते हुए 50,000 रुपये से भरी बैग को जिसकी थी उसे लौटाया। इस बात को ध्यान में रखते हुए वार्ड निवारण समिति के अध्यक्ष सचिन बड़िए इन्होंने उनको भेंट वस्तु देकर सम्मान किया। इस मौके पर सचिन बड़िए, एडवोकेट पवन डी मोले सहित दर्जनों संस्था के सदस्य मौजूद थे। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में पैसा किसे प्यारा नहीं है, हर किसी को पैसा प्यारा होता है। अगर किसी को यूं ही कभी सड़क पे किसी की 50,000 या लाख रुपए की यदि बैग छपड़ जाए तो उसमें खुशी का बहुत बड़ा खुशी उसको होती है, होना स्वाभाविक है। लेकिन वो पैसा अपना नहीं, वो पैसा किसी और का है। अगर उसका पैसा यदि हम खर्चा कर ले तो उस पर क्या गुजरेगी, ये अच्छी सोच, ये अच्छा विचार महल कोतवाली के अंतर्गत आने वाली महिला पुलिस ज्योति पांताव ने इनको आया। और ज्योति पांताव ने को एक 50,000 का जो बैग मिला था वो उन्होंने थाने में लाकर जमा किया और उस आदमी को ढूंढा जिसकी वो बैग थी और उन्हें वो बाइज्जत दे दिया और उन्हीं का सत्कार आज वार्ड निवारण समिति की ओर से महिला ज्योति पांताव ने पुलिस कांस्टेबल का किया गया है। हम सीधा रुख करना चाहेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले हम सचिन बड़िए जो कि वार्ड निवारण समिति के सर्वे सर्वा उनसे बात करेंगे। सचिन, ये बताए कि आज जो सत्कार किया गया इसका इसकी वजह क्या थी? हमें खुशी है कि हमारे सुरक्षा ऐसे हाथों में है, ऐसे लोग शायद ही कम देखने को मिलते हैं। आज इन्होंने जो ईमानदारी सच्चाई बताई है ये सब लोगों के एक उदाहरण है कि ऐसे ही लोगों ने सोच रखना चाहिए, ऐसे लोगों ने सोच रखना चाहिए ऐसा इनका मानना है। इस समय में हमारे साथ में वो सम्मान मूर्ति ज्योति पांतावने हैं, उनसे जानना चाहेंगे। ज्योति मैडम, सबसे पहले तो NBC न्यूज चैनल की ओर से मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ये बताइए कि वो पूरा वाक्य क्या हुआ था, क्या कहना चाहोगे, कैसी बैग आपने उनको रिटर्न की? नमस्कार सर, मी WNPC ज्योति, पोस्टिंग आहे माझी पोलीस स्टेशन कोतवाली येथे। 14 ऑक्टोबर 2020 या रोजी माझी ड्यूटी शिवाजी पुतळा येथे होती। सर 5 ते 5:30 दरम्यान ड्यूटी करत असताना एका गाडीवरून एक बॅग पडल्याचं दिसलं। मला वाटलं ती बॅग ज्यांची आहे ते परत येतील आणि घेऊन जातील, कदाचित त्यांच्या ते लक्षात आलेलं नाही तर ते बऱ्याच उशिरा आले आणि तेव्हापर्यंत मी ती बॅग कुणाची आहे असं विचारतच राहिले। तर नंतर त्या बॅगमध्ये बघितलं तर मला बंडल दिसले नोटांचे। सर जसे मला त्यामध्ये नोटांचे बंडल दिसले म्हटलं इथे बॅग घेऊन थांबणं उचित नाही, तर मी ती बॅग घेऊन पोलीस स्टेशनला आले आणि त्या दिवशीला आमचे डे ऑफिसर होते PSI टोपले साहेब, मी त्यांना ही सविस्तर माहिती दिली। त्यांनी ती बॅग आमच्या CCTV कॅमेऱ्याच्या नजरेसमोर ठेवायला लावली, मी ती बॅग स्टेशन डायरीला तशीच ठेवली। त्यानंतर 15 ते 20 मिनिटांनंतर ज्यास माझी ती बॅग हरवली होती, पुनाराम चुनाराम जेठलानी नाव होतं त्यांचं, ते आले पोलीस स्टेशनला, माझे पैसे गेले, पैशांची बॅग हरवली असं बोलले आणि मी त्या जागेवर गेलो असतो शिवाजी पुतळ्याला, तर तिथल्या एका होमगार्डनी मला सांगितलं की एका मॅडमला मिळाली आहे आणि त्यांनी पोलीस स्टेशनला नेलं आहे तुम्हाला, हा ती पैशाची बॅग त्यांना परत केली। ज्योती पांतोनी, इन्होंने ये काफी ईमानदारी का एक अच्छा बात कही है कि उन्होंने जिसकी जो बैग जो नहीं मिली थी उनको वो बैग पैसे का बैग रिटर्न किया है। इस समय हमारे साथ में महल कोतवाली थाना के पुलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर भोसले जी है, उनसे जाना चाहेंगे। भोसले साहब, ये बता कि जिस तरह से तुम्हारे आज ये जो महिला कर्मचारी ने जो काम किया है कितना गर्व महसूस कर रहे हो, कितना फख्र है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, हमारी महिला अमलदार ने जो भी काम किया है वो सराहना लायक है। कोई भी किसी को पैसा जाता है तो उसका दुख होता है, कोई हमारे पास ही आता है वही पैसा उसको मिल गया तो बहुत आनंद होता है। इस वजह से अपनी महिला अमलदार ने जो भी काम किया है वो सराहने लायक है और उसको उन्होंने जो काम किया है उसके लिए सत्कार उचित है। हमने भी सत्कार किया है और लोगों ने भी सत्कार किया है, वही ऐसा ही रहना चाहिए।
आज दिन पुलिस के कामकाज के ऊपर भी कुछ प्रश्न चिन्ह से लगे हुए थे। पुलिस की प्रतिमा नागरिकों के मन में कुछ इस कदर थी कि नागरिक पुलिस का नाम लेते खौफ खाते थे, मगर जिस प्रकार से पुलिस का जो कामकाज है वो काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि इसी कोतवाली थाना अंतर्गत आने वाली महिला कांस्टेबल ज्योति पांताव ने इन्हें एक पैसे का बैग छपड़ा था, जिसके चलते उन्होंने वो रिटर्न किया और अपनी ईमानदारी का एक जो परिचय दिया, जिसके चलते पुलिस के इसमें अब बदल हो चुका है और पुलिस अच्छा कामकाज कर रही है, पुलिस जनता के हित में, पुलिस नागरिकों का सहयोग करती है, यही बात उभर कर सामने आई हुई है। जब तक ऐसे प्रामाणिक पुलिस अधिकारी का या पुलिस महिला कांस्टेबल काम करेंगे तब तक इस देश को कुछ हो नहीं सकता, देश हमेशा सुजलाम सुपलाम हो सकता है, बशर्ते ईमानदारी होना चाहिए। और ईमानदारी का यह परचम महल कोतवाली की ज्योति पांताव ने इस महिला पुलिस ने कांस्टेबल ने लहराया है, इन बिशन की ओर से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। महल कोतवाली थाने से कैमरा पर्सन खान के साथ संजय मीरा, इन बिशन न्यूज।